तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस बारे में बात करेंगे कल का एक मुकाबला जो कि इंडियन वुमेन्स T20 लीग का मैच होगा, जो ही खेलेगा कल शाम को 7:30 बजे मैच चलेगा। तो अभी के लिए आपको वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा हेल्प हो जाए हेल्पलेस करने के लिए और अच्छा आपको विन करा सके। तो यहाँ पर देख लो मैच कौन सा है, बेंगलोर वुमेंस वर्सेस गुजरात वुमेंस के बीच में मैच खेल जाएगा। तो कल शाम 7:30 बजे मैच चलोगे शाम को, तो यहाँ पे मिस मत कीजिए, काफ़ी बड़ा मैच हो सकता है। यहाँ पे मुझे फ्री इंटरव्यू आ चुका है इस मैच में, तो मैं इसमें ज्वाइन करूँगा। प्लस यहाँ पे देख लो आपको आपको मिल सकता है, और यहाँ पे आपको और एक फ्री इंटरव्यू है, आपको यहाँ पे 20 टीम ला के आसानी से अमाउंट विन कर सकते हो। काफ़ी बड़े यहाँ पे गैस, यहाँ पे 20 टीम ला के आसानी से आप अमाउंट विन कर सकते हो, और वही बोनस भी बोनस विन कर गया उसमें भी विन करें में आपको यहाँ पे देख लो 30 विनर्स का बोनस मिल गया 100% बोनसली, उसमें आप ज्वाइन करके यहाँ पे आसानी से आप रियल कैश कमा सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया है, अगर जरूर है ट्राई कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन निकाल दूंगा। और यहाँ पे देख लो 59 रुपीज़ का बोनस दी गया, 55 रुपीज़ है उसको भी आप ज्वाइन करके आसानी से अमाउंट विन कर सकते हो। चलो बस पहले बात करते हैं वीडियो में कुछ दोनों को प्लेयर के स्टैट देंगे, प्लेयर के स्टैट देंगे और मेरे फाइनल टीम आपको मैं दिखा दूंगा। तो चलो बस पहले कुछ दोनों के प्लेयर के स्टैट्स। तो वैसे आप देख लो पहले कुछ RCB के प्लेयर के स्टैट्स, तो पहले यहाँ पे RCB के प्लेयर स्टैट देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मैग्नस स्कॉच, जो कि प्लेयर बहुत बड़े ऑस्ट्रेलिया के बॉलर है, पिछले मैच 1 विकेट लगाई थी, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 4 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0-5 ऐसा उनका विकेट लेना है। तो हर मैच विकेट लेके आती है, कंसिस्टेंटली विकेट तक बॉल रही है, जरूर ट्राई करना है, एक अच्छे बॉलर है, अच्छे आपको विकेट लेके आ सकते हैं, बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़ा बॉलर है अभी। नेक्स्ट आते हैं आप हैथर नेट, एक ऑलराउंडर है, पिछले मैच 31 रन बनाई गई थी, उससे पहले 4 रन, उससे पहले 32 रन बनाई गई थी, बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस इनका, पर बॉलिंग में पिछले 2-3 मैच से बॉलिंग नहीं की, तो बॉलिंग करती है तो वहाँ पे भी आपको विकेट लेके आ सकती है, तो उनको जरूर ट्राई करना है, मस्ट भी बोल सकता हूँ मैं। बॉलर अच्छी है, बॉलर विकेट भी लेके आती है और बैटिंग भी बहुत अच्छी है इनका, तो जरूर इनको पिक करना, एक इंग्लैंड की प्लेयर है वही। नेक्स्ट आते हैं आप स्मृति मंदाना, आई थिंक कैप्टन रहेगी, तो पिछले मैच 2 रन बनाई थी, उससे पहले 87 52 10 रन 0-0 5 रन बनाई गई थी, तो अच्छे बैट्समैन है भी स्मृति मंदाना और कैप्टन भी है, देख लो अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है इस मैच में, तो उनको जरूर ट्राई करना, कैप्टन वाइस उन्हें जरूर ट्राई कर सकते हो, एक अच्छे पारी आपको खेल के दे सकती है इस मैच में। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे रिचा घोष को देख लो, पिछले मैच 49 रन बनाई गई थी, उससे पहले 0 रन, उससे पहले 47 44 90 80 सॉरी 33 और 91, पिछले 4 मैच बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस था इनका, तो उनको जरूर ट्राई करना। यहाँ पे 5 मैच में नॉट आउट पारी खेल कर रही थी, तो प्लेयर अच्छा है, अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है, तो जरूर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि रिस्क पिक बोल सकता हूँ मैं, और कैप्टन वाइस अपने जरूर ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग में भी। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे रेणुका सिंह का रिकॉर्ड देख लो, यहाँ पे पिछले मैच विकेट नहीं लेती, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 5 विकेट और उससे पहले 1 विकेट लगाई थी, तो एक हिट और मिस प्लेयर है, कभी कभार चल जाती है और कभी कभार फ्लॉप हो जाती है, रिस्क लेना चाहती है आप इनको पिक कर सकते हो, अगर आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए स्मॉल लीग में तो आप इनको ड्रॉप कर सकते हो, उनका उतना अच्छा रिकॉर्ड भी नहीं है, तो एक रिस्क पिक बोलूँगा मैं स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में, और स्मॉल लीग में देखो स्मॉल लीग में आप ड्रॉप कर सकते हो, पर ग्रैंड लीग में रिस्क लेके पिक कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे श्रियांका पाटिल ये भी पिछले मैच 12 रन बनाई गई थी, उससे पहले 73 रन, उससे पहले 7 रन, उससे पहले 7 रन, तो हर मैच विकेट लेके आती है, पिछले मैच 2 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले फिर से 2 विकेट, तो बहुत बड़ा ऑलराउंडर बोल सकते हैं इनको श्रियांका पाटिल को, तो जरूर पिक करना, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा है इनका, तो अगर इस मैच में खेलती है तो एक मस्त पिक बोल सकता हूँ मैं इनको, जरूर आप ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सोफिया डिवान, ये भी बहुत बड़ा ऑलराउंडर है न्यूजीलैंड की, पिछले मैच 3 रन बनाए गए उठी थी, उससे पहले 0 रन, उससे पहले 16, उससे पहले 0 14 10 ऐसा इनका रिकॉर्ड है, बैटिंग से बैटिंग करके आ रही, पर बॉलिंग अभी कोई मैच नहीं करी पिछले 2-3 मैच में, पर उससे पहले थोड़ा नीचे यहाँ पे देख लो अच्छा रिकॉर्ड था उनका, 2 मैच 2 विकेट, उससे पहले 0, उससे पहले फिर से 2 विकेट, तो बॉलिंग करती है तो विकेट लेके जाती है और बैटिंग भी बहुत बड़ा है इनका, तो एक बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, तो इनको जरूर ट्राई कर सकते हो कि अच्छे पिक बन सकते हैं, अगर ये खेलती है तो जरूर इनको ट्राई करना। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे दिशा कासत, पिछले मैच 5 रन, उससे पहले 2 मैच में बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 7 रन, उससे पहले 12, तो दिशा उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं इनको, तो उतना अच्छा फॉर्म में भी नहीं, तो उनको ड्रॉप कर सकते हो, ग्रैंड में ट्राई कर सकते हो उनको। शोभन आशा, पिछले मैच 5 रन, उससे पहले 5 रन बनाई गई थी और बॉलिंग में पिछले 2 मैच 3-3 विकेट लेकर आ रहे, 4 ओवर में 19, तो प्लेयर बहुत बड़ा है इनको, जरूर ट्राई करना, बॉलिंग बहुत बड़ा है इनका, आप जरूर ट्राई कर सकते हैं, एक अच्छे बॉलिंग करके आप दे सकते हैं इनको। कोमल जंजर, पिछले मैच 2 विकेट लेकर आई थी, उससे पहले 2 मैच 0-0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट लेकर आई थी, तो ये भी बहुत बड़े बॉलर है, एक विकेट टेकर बॉल रहे, इनको भी लेना चाहते हो इनको भी ले सकते हो ग्रैंडली में। इंदिरा रॉय, पिछले मैच 0, उससे पहले 2-2, 2-1-1,
50-48 रन बनाए गए थे। लास्ट चार मैच फ्लॉप हो गए थे और उससे पहले दो मैच अच्छा परफॉर्मेंस करके आई थी। इनको भी ट्राई कर दो तो ट्राई कर सकते हो। पूनम कैमर पिछले मैच 3 रन, उससे पहले 16-6-34 बैटिंग अच्छा है इनका और बॉलिंग भी कभी कभी विकेट लेके आए थे, तो इनको भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो। और एक ऑलराउंडर आया यहाँ पे साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर डेनवेन न्यूयॉर्क, पिछले मैच बैटिंग नहीं थी उससे पहले 21 रन, उससे पहले फिर से बैटिंग नहीं थी उससे पहले 6 रन, 43-12-0-33 ऐसा उनका रिकॉर्ड है। तो बॉलिंग में यहाँ पे बॉलिंग पिछले मैच बॉलिंग नहीं की थी पर उससे पहले विकेट भी नहीं लेके आई थी बॉलिंग करके, तो देख लो बॉलिंग कर सकती है इस मैच में। अगर ये खेलती है तो ज़रूर ट्राई करना, एक अच्छे ऑलराउंडर पिक आपके लिए बन सकती है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कनिका आहूजा, पिछले मैच 0, उससे पहले 20-29 और उससे पहले 2 विकेट लेके आई थी, उससे पहले 0, उससे पहले फिर से 2 विकेट, तो ये बहुत बड़ा है। बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा करती है कनिका आहूजा, इनको भी आप जरूर ट्राई कर सकते हो अगर ये खेलती है तो। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सहना पवार, पिछले मैच बैटिंग नहीं थी उससे पहले 5 रन, उससे पहले फिर से बैटिंग नहीं थी। आई थिंक एक बॉलर है, पिछले मैच 4 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, तो बहुत बड़े बॉलर है, अच्छा बॉलिंग करके आते हैं, बॉलिंग से भी हर मैच विकेट लेके आती है। तो मुझे लग रहा है आरसीबी की बॉलिंग थोड़ा स्ट्रांग है तो उनको जरूर ट्राई कर सकते हो। प्रीति बोस पिछले मैच 6 रन, उससे पहले 8 रन बनाई गई थी, बॉलिंग में पिछले मैच 1 विकेट, उससे पहले 0, उससे पहले 3 विकेट ले गई थी, तो उनका भी बैटिंग अच्छा है। एलिसा पेरेरे पिछले मैच 2 रन, उससे पहले 11 रन बनाई गई थी, उससे पहले दो मैच में बैटिंग नहीं थी और उससे पहले लगातार 2 मैच 40-40 रन बनाई गई थी, तो प्लेयर बहुत बड़ा है, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा खेलते हो, तो इस मैच में खेलते हो तो इनको भी जरूर ट्राई कर सकते हो। एरन ब्रंस पिछले मैच 23-35-30 ऐसा उनका रिकॉर्ड है, प्लेयर अच्छे है, बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा खेलते हैं, इनको भी जरूर ट्राई करना, मस्ट भी बोल सकता हूँ मैं। और लास्ट आती है आसान नेक्स्ट जीत लेते गुजरात जैन, जो कि पिछले मैच में खेल के आए थे और आसान से मैच जीत के आए थे, तो उसमें सोफिया डंकली पिछले मैच 28, उससे 2 रन, 10 रन, 4 रन, 34-60 ऐसा उनका रिकॉर्ड है। डंकली भी एक अच्छा प्लेयर है, पिक करना जरूर अगर ये खेलती है तो, पर पिछले मैच में नहीं खेली थी, देख लो नेक्स्ट मैच में खेलती है तो उनको आप जरूर ट्राई कर सकते हो। एशले गार्डन पिछले मैच 0 पर आउट हो गई थी पर 1 विकेट लेके आई थी, उससे पहले 31 रन, उससे पहले 28 रन और उससे पहले 2 विकेट लेके आई थी, उससे पहले 1 विकेट, तो एक विकेट टेकर बॉलर है, विकेट भी लेके आती है और बैटिंग भी अच्छा करके आती है। मुझे लग रहा है इस मैच बैटिंग भी एक अच्छा करके आ सकती है और बॉलिंग से भी आपको विकेट लेके दे सकती है। जॉर्ज वारियर पिछले मैच 8 रन बनाए कि 1 विकेट लेके आई थी, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट ऐसा उनका लेकर विकेट टेकर है, विकेट टेकर बॉलर भी है, अच्छा विकेट लेके आती है और बैटिंग बॉलिंग दोनों बहुत बड़ा इनका, तो इनको भी ट्राई करना। एनाबेला स्विट्जरलैंड पिछले मैच 6 रन बनाए कि विकेट नहीं लेके आई थी, उससे पहले 0 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट ऐसा उनका विकेट लेना है, तो कभी कभार विकेट लेके आती है, कभी कभार नहीं लेके आती है एनाबेला स्विट्जरलैंड को, तो अब इनको मैं रिस्की पिक बोल सकता हूँ मैं। सुषमा वर्मा पिछले मैच 6 रन बनाई गई थी, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, 46-87-28-24 ऐसा उनका लास्ट 4 मैच का रिकॉर्ड है, तो 4 मैच एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रही, तो मुझे लगता है इस मैच एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। नेक्स्ट आते यहाँ पे अश्विनी कुमारी, पिछले मैच में नहीं खेली थी, उससे पहले 13 रन, 1 रन, 11 रन, 13 ऐसा उनका लेकर आया, तो बॉलिंग भी करती है, बॉलिंग में आपको विकेट लेकर आती है कभी कभार, तो इनको भी ट्राई करना, अच्छे पिक बन सकती है अभी। तनुज कन्वर पिछले मैच 1 विकेट लेकर आई थी, सिर्फ 2 ओवर करने को मिला था इनका पर उसमें भी 1 विकेट लेकर आई थी। स्नेहा राणा पिछले मैच 1 रन बना के 2 विकेट लेकर आई थी, उससे पहले 11 रन, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 2 रन, 23 रन, तो एक अच्छा स्पिन बॉलर है, विकेट भी लेकर आती है और बैटिंग भी बहुत बड़ा करके आती है, तो स्नेहा राणा को आप पिक कर सकते हैं, अच्छे पिक बन सकती है। डेंडर डंटो ने पिछले मैच में खेले थे पर ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट इंडीज के बहुत बड़ा प्लेयर है, अभी पिछले मैच 52-39-23-20 रन बनाई गई थी और बॉलिंग में पिछले 3 मैच में 2-2 विकेट ले गई, तो बहुत बड़ा प्लेयर है, बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, जरूर पिक करना इस मैच खेलती है तो, कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर दो, अच्छा हो सकता है। हर्नैंडो ड्यूल पिछले मैच 0 पर आउट हो गई थी, उससे पहले बैटिंग नहीं थी, उस पर 10 रन, 12 रन, 46-13 रन बनाई गई थी, तो एक अच्छे प्लेयर है हर्नैंडो ड्यूल, देख लो इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है, तो उनको भी जरूर ट्राई करना। मोनिका पटेल पिछले मैच 10 रन, उससे पहले 6 रन, उससे पहले 2 मैच बैटिंग नहीं थी, उससे पहले 2 रन, तो पिछले मैच विकेट नहीं ले गई थी पर उससे पहले 2 विकेट ले गई थी, एक अच्छे बॉलर है हर्नैंडो ड्यूल, सॉरी मोनिका पटेल, तो देख लो पिक करना, अच्छे बॉलिंग करके आप आसानी से अमाउंट गेन करके दे सकती है। नेक्स्ट आते हैं मनसीज जोशी, पिछले मैच 6 रन, उससे पहले 35 रन बनाई गई थी, बॉलिंग में पिछले मैच विकेट नहीं ले गई थी और उससे पहले 3 विकेट ले गई थी, उससे पहले 0 रन, उससे पहले 1 विकेट, तो विकेट टेकर बॉलर भी है, अच्छा विकेट लेके आती थी, तो उनको भी जरूर ट्राई कर सकते हो। बैत मोनी पिछले मैच 0 पर आउट हो गई तो पर रिटायर्ड आउट हो गई थी, आई थिंक ये मिस मैच में खेल नहीं सकती क्योंकि पिछले मैच में नहीं खेली थी, तो मुझे लग रहा है इस मैच भी नहीं खेल सकते, पर उससे पहले अच्छा रिकॉर्ड है इनका, तो हाँ देख लो खेलती है तो जरूर ट्राई करना, कैप्टन जरूर थोक देना, अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकती है। नेक्स्ट आते हैं शबनम शकीला, उनका रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है यहाँ पे, शबन मेघना सिर्फ 2 रन बनाई आउट हुई थी, पन्नू का सिसडा पिछले मैच 2 विकेट, उससे भी 3 विकेट, उससे भी 2 मैच 1 विकेट लेके आई थी, अच्छा बॉलर है भी, अच्छा विकेट लेके आती है ये भी।
दयालन ये बोला था पिछले मैच में 29 रन बना के आए थे, उस समय 68, 59, 87 एहसान करे बड़े अच्छे बैट्समैन करके थे, अच्छे बैटिंग करके आए थे, तो उनको भी जरूर ट्राई कर सकते हो। हरली गाला पिछले मैच 7 रन 21-0 13 रन बना के आए थे, और बॉलिंग से भी कभी कभार विकेट ले गए थे, तो वहाँ पर भी आपको पॉइंट्स दे के जा सकती है। आप देख रहे थे प्लेयर स्टेडियम में कैसे परफॉर्मेंस करके आ रहे, तो पहले आते हैं यहाँ पे एलेस आईली, 2 मैचे 62 रन बना के आ रही, इस स्टेडियम में 37 रन का हाई स्कोर है। अनबला सदरलैंड 6 रन, गार्डनर 0, बैथमोनी 2 मैचे 171 रन 89 का हाई स्कोर इनका। हेमलता 1 मैचे 29 रन बना के आ रहे, दीप्ति शर्मा 2 मैच में 38 रन, देविका वैद्या 2 मैचे 36 रन, और तालिया मैकर 2 मैच 110 रन 17 का हाई स्कोर है। बॉलिंग में देखते हैं बॉलिंग में कैसा रिकॉर्ड, तो यहाँ पे पहले ए सरवाड़ी 0 विकेट, सदरलैंड 2 विकेट T20 में, गार्डन ने यहाँ पे 1 विकेट लेके आई थी, दीप्ति शर्मा 1 विकेट, जॉर्ज वारियर ने 1 विकेट, स्नेहा राणा 2 विकेट और कन्वर ने 1 विकेट लेके आई थी। तो ये भी इसी स्टेडियम में होगा जो कि पिछले मैच हुआ था DY पाटिल में, और ये भी इसी स्टेडियम में हो सकता है। अब देख लेते हैं मैचेस की जो कि स्टेडियम में कैसे मैचेस हो रहे हैं, और उससे पहले क्या हुआ था पिछले मैच में क्या हुआ था स्कोर कार्ड वो देख लेते हैं। यहाँ पे पहले देख लेते हैं पिछले मैच में स्कोर कार्ड क्या हुआ था वो देख लेते हैं। यहाँ पे तो यमा ने पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने यहाँ पे 207 रन बनाए गए थे, गुजरात उस मैच में हार कर आ गई थी। तो यहाँ पे गुजरात के बॉलर में गार्डन ने 1 विकेट ले गई थी, स्नेहा राणा 2 विकेट, जॉर्ज वॉलर ने 1 विकेट और टी कन्वर ने 1 विकेट ले गई थी, और कोई बॉलर ने यहाँ पे विकेट नहीं लिया था। और यहाँ पे बैटिंग में जीजी ने मेघना 2 रन, बैथमोनी रिटायर्ड 0, हरनर्ड लियो 0, गार्डनर 0, सदरलैंड 6 रन, 29 हेमलता और वॉलर ने 8 रन बनाए गए थे, और कोई बैट्समैन ने उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। तो ये बात उसको कर तो ये चेज नहीं हो पाई थी, इसी का 4 विकेट लेकर थे यहाँ पे। तो ये हुआ स्कोर कार्ड, और देख लेते हैं उससे पहले क्या होता मैच में ऑस्ट्रेलिया इंडिया का हुआ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 187 रन बनाए गए थे। तो पहले बैटिंग यहाँ पे अच्छा होता है, और बाद में थोड़ा पिच स्लो हो जाती तो वहाँ पे बैटिंग में रन नहीं आते। पहले बैटिंग में 187 रन, एलेस आईली 25 रन बनाई गई थी, बैथमोनी 82 रन, तालिया मैकर 70 रन बनाई गई थी, और एक ही विकेट गया था वो भी दीप्ति शर्मा का। और नेक्स्ट यहाँ पे 187 चेस कर लिए थे, सुपर ओवर हो गया था उसमें 187, 5 विकेट खोकर उसमें स्मृति मंदाना 78 रन, सफल उमर 34, राजेश 4 रन, 21 कौर, ऋचा गोस्वी 26 रन बनाए थे। बॉलिंग में हैदराबाद 3 विकेट, एलन किंग 1 विकेट और सदरलैंड ने 1 विकेट लिखा था। तो ये हुआ पिछले मैच का स्कोर, आई थिंक ये बैटिंग फेवर हो सकता है। तो देख लो चेज नहीं होता, और बैटिंग पहले बैटिंग कौन से में आती है तो उनका थोड़ा बैट्समैन ज़्यादा आप पिक कर सकते हो, और बॉलर भी आप उनके ज़्यादा पिक कर सकते हो। तो चलो गाइस टीम देख लेते, मैं ऑलरेडी एक टीम बना चुका था, मैं उसको थोड़ा एडिट करके दिखा दूँगा। तो गाइस एक मेरी स्मॉल टीम रहेगी, तो इस टीम में पहले मैं 3 बैट्समैन के साथ जाऊँगा। पहले आप लोगों को मैं दयालन हेमलता को, जो कि बहुत बुरा फॉर्म है पिछले 3 मैच में, पिछले 2 मैच में, उससे पिछले मैच 21 रन बनाए गए थे, और उससे पहले मैच उन्होंने 29 रन बनाए गए थे। तो प्लेयर अच्छे है हेमलता, मुझे लग रहा है इस मैच एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है, और ये बॉलिंग करती है तो वहाँ भी आपको विकेट लेके आ सकती है। और नेक्स्ट यहाँ पे पिक किया मैं बेंगलुरु के कैप्टन स्मृति मंदाना, जो कि फॉर्म में नहीं है, पिछले मैच 23 रन, उससे पहले 35 रन बनाए गए आउट हुई थी। प्लेयर उतने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही लास्ट 2-3 मैच, पर मुझे लग रहा है इस मैच एक अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है। और नेक्स्ट यहाँ पे पिक किया मैं हैथरनेट को, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है, पिछले मैच 0 पर आउट हुई थी, उससे पहले 34 रन बना के 2 विकेट ले गई थी, और उससे पहले उतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पाई थी यहाँ पे वर्ल्ड कप में भी 31 रन बना के। तो प्लेयर अच्छे है, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़े खेलते, और मुझे लग रहा है इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है। विकेट के विषय में यहाँ पे लूँगा मैं ऋषभ घोष को, जो कि बहुत बड़ा विकेट कीपर बैट्समैन है। इनका रिकॉर्ड देख लो, पिछले मैच उन्होंने 28 रन बनाई गई होती, उससे पहले 2 रन, उससे पहले 14 रन और उससे पहले 46 रन बनाई गई थी। प्लेयर अच्छी अच्छा परफॉर्मेंस करके आ सकती है, और विकेट कीपर करेगी तो आप लोग को पॉइंट आ सकती है। ऑलराउंडर पे 3-4 ओवर के साथ जाऊँगा मैं, पहले आप लूँगा मैं किम गर्ड को, जो कि पिछले मैच का प्लेयर ऑफ द मैच है, 5 विकेट ले गई थी पिछले मैच में, उससे पहले 2 रन बना के 1 मिडल ओवर, उससे पहले 4 मिडल ओवर करके आई थी टेस्ट में। तो प्लेयर अच्छे परफॉर्मेंस करके आते थे, बॉलिंग बैटिंग दोनों करके आते थे, तो इसलिए वजह से अब मैं किम गार्ड के साथ जाऊंगा। नेक्स्ट आप पिक किया मैं एलेसा पेरी को, जो कि पिछले मैच 13 रन बनाई गई थी, उससे पहले 31 रन, उससे पहले 7 रन, उससे पहले 11 1 विकेट। तो प्लेयर अच्छे है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करती, तो इसकी वजह से मैं एलेसा पेरी को लूँगा। नेक्स्ट आप पिक किया मैं स्नेहा राणा को, जो कि बहुत बड़ा ऑलराउंडर है, पिछले मैच में 9 रन बना के फ्लॉप हुई थी, उससे पहले 1 रन बना के 2 विकेट, उससे पहले 11 रन, बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़ा है इनका, तो मुझे लगता है इस मैच एक अच्छे परफॉर्मेंस करके आ सकते हैं। और लास्ट यहाँ पे एशली गार्डन, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के, पिछले मैच 24 रन बनाए गए थे, उससे पहले 0 रन 1 विकेट, उससे पहले 29 रन 1 विकेट। तो प्लेयर अच्छे है, विकेट टेकर बॉलर भी है, प्लस बैटिंग भी अच्छा खासा करके आ सकती है।
बॉलिंग में पे 3 बॉलर के साथ जाऊंगा मैं। पहले यहाँ पे लूँगा मैं मैगनस स्कॉट को, जो कि पिछले मैच में 20 रन बनाई गई थी, उससे पहले 30 रन बनाई गई थी, उससे पहले 1 विकेट, उससे पहले 1 विकेट, तो विकेट टेकर बॉलर भी है और मुझे लग रहा है इस मैच में विकेट लेके आ सकती है। और नेक्स्ट यहाँ पर पिक किया मैं टी पी कन्वर को, जो कि पिछले मैच उन्होंने 10 डॉट बॉल की थी, उससे पहले 1 विकेट ले गई थी, उससे पहले उतना अच्छा नहीं, उससे पहले 2 विकेट ले गई थी यहाँ पे इंडियन वर्सेस इंडियन मैच में। कन्वर एक अच्छे बॉलर है। और लास्ट यहाँ पिक रहेगा मैं श्रियंका पटेल, एक रिस्क बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि उनका रिकॉर्ड ही इतना अच्छा है। पिछले मैच 23 रन बना के विकेट नहीं लेके आई थी, पर उससे पहले मैच 7 रन 1 विकेट, उससे पहले 2 विकेट, उससे पहले 16 रन बना के 1 विकेट, तो बॉलिंग बैटिंग दोनों बहुत बड़े इनका, इसकी वजह से मैं श्रियंका पटेल के साथ जाऊँगा। मैं यहाँ पे कैप्टन रहेगा, मैं पे असले गार्डन को मैं कैप्टन बनाऊंगा, वाइस कैप्टन यहाँ पर मैं एलएसआर पेरेज को बनाऊंगा। तो गाइस ये मेरी स्मॉल टीम रहेगी, फ्री एंट्री है, फ्री एंट्री जरूर ज्वाइन करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।